हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में मैं स्नातक ग्रेड के शिक्षक नियोजन हेतु मेधा सूची कैसे बनता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में भी पूछते रहते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, लेकिन इसमें यहाँ पे आप क्लियर हो जाइएगा और साथ ही प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यह नियमावली है बिहार शिक्षक बहाली की। और ऊपर आप देख सकते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षक के नियोजन हेतु मेधा सूची, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक परीक्षा में जो प्राप्त आपका प्रतिशत है, जितना अंक मैट्रिक में आपने प्राप्त किया है उस अंक को जोड़ना है, ठीक है, उसका योग। इसके बाद इंटरमीडिएट में जो अंक आपने प्राप्त किया है उसका योग, और स्नातक में जो प्राप्त किया है आपने उसका योग, और प्रशिक्षण में जो अंक प्राप्त किया है उसका योग, और इस चारों को जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद क्या करना है, जितना भी आपको मार्क्स आया है उसको जोड़ देना है और जोड़ कर उसमें चार से भाग देना है, ठीक है। और चार से आप भाग देंगे उसमें, वही आपका प्राप्त प्रतिशत अंक होगा और वही आपका मेधा अंक भी होगा, ठीक है। और चलिए पात्रता परीक्षा का अंक कैसे जुड़ता है इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाई थी, बट पूरा 150 मार्क्स का मैं नहीं बताई थी, तो यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स का पता चल जाएगा कि कितना मार्क्स आने पे कितना मेधा अंक मिलता है। अगर आप 90% से ऊपर लाते हैं, यहाँ पे देखिए 90% से ऊपर लाते हैं तो आपको मिलेगा 10 अंक, ठीक है। मान लिया जाए आप मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन प्रशिक्षण में टोटल अंक आपने प्राप्त किया, टोटल अंक आपका बना 65%, ठीक है, और आपने 90% से ऊपर ले आया TET में, तो यहाँ पे आपका 10% बोनस अंक मिल जाएगा, तो टोटल आपका 75% हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरिट अंक बनता है, मेरा सूची बनता है। और देखिए अगर आपने 80% से ऊपर लाया है और 90% से कम लाया है, ध्यान दीजिए 80% से ऊपर और 90% से कम, यानी 80 से लेकर 90% तक का आपको मिलेगा 6 अंक, 6 बोनस अंक मिलेगा। और अगर आपका पहले से 75% है तो उसमें 6 जाके ऐड हो जाएगा, तो फिर आपका वहाँ पे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा पूरा मेधा सूची। तो इसी तरह से बनता है। इसके बाद अगर आपका 70% से ऊपर और 80% से कम है, यानी 70 और 80% के बीच में है, तो आपको मिलेगा 4 बोनस अंक। और आपका अगर 55% से लेके 70% तक है तो आपको बस 2 अंक उसके लिए मिलेंगे जो बोनस अंक होगा। तो इसी तरह से आप अपना मेरिट मेधा सूची बना सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका परसेंटेज कितना जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा के अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद अभ्यर्थी का जो कुल अंक होगा वही उसका कुल मेधा अंक होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, साथ ही आपको प्रूफ भी मिल गया कि कितने मार्क्स के लिए कितना बोनस अंक मिलता है। और अगर आपके मन में कोई डाउट बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, CTET को लेकर चल रहा होगा, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा मिले, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। और साथ ही बिहार शिक्षक बहाली का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। अगर और भी कोई डाउट होगा तो उसमें बहुत सारा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, आपकी जो परेशानी होगी वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। और अगर उससे संबंधित कोई वीडियो उसमें नहीं डाली हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ एक लाइक ज़रूर दे दें। और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।